सो ही ग्लोरियस फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन गाइस, वेयर वी टॉक अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड्स, फैशन, मेकअप एंड लाइफस्टाइल, मैनी मोर थिंग्स। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। ब्यूटी मेकअप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो, और इस ब्यूटी मेकअप इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कन्फ्यूजन, डाउट क्लियर हो जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मन में हमेशा चलती है जब आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या फिर मेकअप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन आपके दिमाग में आता ही होगा कि हम इसे ले तो रहे हैं लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए इस चीज़ के बारे में मैं आपको डाउट को क्लियर कर दूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ बीबी क्रीम, सीसी क्रीम और फाउंडेशन के बारे में, और इसके बारे में मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, लाइक एप्लीकेशन, यूजेस, बेनिफिट और डिमेरिट, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन के बारे में। तो गाइस, फाउंडेशन होता है कि अगर आप फुल कवरेज चाहते हैं या फिर आप ऐसी कोई पार्टी फंक्शन अटेंड करने वाले हैं जिसमें आपको लॉन्ग लास्टिंग स्किन, इवेंट टोन दिखाना है या फ्लॉलेस स्किन दिखाना है, तो आप फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं। तो गाइस, फाउंडेशन लगाने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है। लाइक एक फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले आपकी फेस को हमेशा क्लीन होना चाहिए, और कोई भी मेकअप करने से पहले तो फेस को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको मेकअप करने से पहले, फेस फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले फेस को क्लीन करना पड़ता है, उसे मॉइस्चराइज करना होता है, फिर देन उसके बाद आप उसके ऊपर प्राइमर लगाएंगे, या फिर उसके प्राइमर के बाद अगर आपकी स्किन थोड़ी सी फ्लॉलेस नहीं है या फिर आपकी स्किन पे थोड़ी सी फ्लॉज है, लाइक स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है या फिर रिंकल्स है, तो उसे छुपाने के लिए आपको कंसीलिंग करनी पड़ती है, देन आप उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। तो फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए भी अलग से झंझट होती है, लाइक आपके पास टूल्स होने चाहिए, लाइक स्पॉन्ज होना चाहिए, एक छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए या फिर ब्रश होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए कि ये चीज़ों से आपकी फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो। और बहुत ज़रूरी होता है कि आप इन टूल्स के थ्रू ही आप अपनी ब्यूटी फाउंडेशन को ब्लेंड करें, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो आपका फाउंडेशन शायद केकी दिखेगा या फिर आपके चेहरे पे लॉन्ग लास्टिंग नहीं दिखेगा, बहुत जल्दी उसे मतलब वो होता है ना, वो जल्दी से वाइप हो जाते हैं। क्या है कि हम जल्दबाजी में फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर पाते हैं, लाइक हमें अगर मार्केट जाना हो या फिर कहीं कॉलेज जाना हो, कोचिंग जाना हो, कहीं भी जाना हो, अगर हमें अपना स्किन को एक इवेंट टोन दिखाना है, फ्लॉलेस दिखाना है, तो हमें फाउंडेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास तो इतना टाइम होता नहीं है कि हम प्राइमर लगाए, कंसीलर लगाए, फिर उसके बाद फाउंडेशन लगाए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर थोड़ी सी टाइम होता है ना, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था बीबी क्रीम, और अभी भी चल रहा है। तो बीबी क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक अगर बीबी क्रीम में होता क्या है कि आपको मॉइस्चराइजर भी मिल जाती है, एसपीएफ भी मिल जाता है, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पहले से ही होती है, और आपके स्किन पे बहुत सारी चीज़ें इसके लगाने से पहले अप्लाई नहीं करना पड़ता है। तो जस्ट आप अपने स्किन को, अपने फेस को वॉश कीजिए, देन उसके बाद अपने फेस पे बीबी क्रीम लगा लीजिए। अगर आपका स्किन इवेंट टोन है या फिर आपकी स्किन पे कोई भी फ्लॉज नहीं है, कोई भी स्पॉट्स नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, रिंकल्स नहीं है, तो आप बीबी क्रीम से भी अपना काम चला सकते हैं। तो मेरी स्किन पे अभी तक स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स ऐसी चीज़ें कुछ नहीं है, तो मैं अभी तक बीबी क्रीम से ही अपना काम चला। बीबी क्रीम का डिमेरिट ये है गाइस कि बीबी क्रीम में आपको कलर कम्प्लेक्शन नहीं मिलता, कलर्स का सेड नहीं मिलता। अगर आपका सेड, अगर कलर कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्कर है या फिर फेयर के लिए तो चल सकता है, डार्कर है तो नहीं आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि वो इजिली आपके स्किन पे ब्लेंड नहीं होगा। अगर आप ब्लेंड भी करते हैं तो आपकी स्किन से कुछ ज़्यादा फेयर दिखाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आपके मार्केट में लाया गया था सीसी क्रीम। सीसी क्रीम होता है कलर करेक्टर कम्प्लेक्शन क्रीम, और इससे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका स्किन थोड़ा सा डार्कर है या। तो गाइस, ये सारी चीज़ें होती हैं इन तीनों प्रोडक्ट के अंदर, फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम के अंदर, और इसे अप्लाई, एप्लीकेशन, यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में मैंने बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे इंस्टा आईडी पे भी डीएम कर सकते हैं, मैं आपके डाउट और कन्फ्यूजन को क्लियर करूंगी। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ। सो बाय गाइज़।